कि अगला वीडियो हम लोग लेकर के आए थे, और आज हम लोग आ गए हैं मुक्ति पथ। शंकर भगवान का यहाँ पे मूर्ति लगा हुआ है, बहुत ही प्यारा सा, देख सकते हैं आप। ऊपर करो भाई, बहुत ही प्यारा सा मूर्ति बना है शंकर भगवान का। यहाँ पे दूर दूर से लोग लाश लेकर के आते हैं जलाने के लिए, और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसका ढांचा बना हुआ है जहाँ पे लाश जलता है। बहुत ही सुंदर जगह है ये, एकदम नदी के बीचों बीच किनारे बसा हुआ है। और आइए हम आपको दिखाते हैं मुक्ति पथ। चलो जी, चले जहाँ बोले वो ढंग दिखा दिए। मंदिर हो गया। जैसा कि आप लोग ये माइकल स्थान है, देख रहे हैं। ये देखिए इधर सब लाश जलाने वाली बनी है, अभी तक मशीन नहीं लगा है इसका लाश जलाने वाला। और ये एकदम नदी के किनारे बसा हुआ है मुक्ति पथ। आइए आपको एक बार नदी भी दिखा देते हैं। ये देखिए चारों तरफ ये नदी है। इस समय थोड़ा बहुत आगे तक बढ़ गया है, और अभी आप 2 महीने बाद आएंगे तो पानी आपको यहाँ तक मिलेगा देखने के लिए। और बहुत ज़्यादा पानी यहाँ पे आता है, बहुत ही ज़्यादा बरसात होती है इस टाइम, तब पानी भर जाता है इसमें सारा। यहाँ पे हमेशा ठंडी ठंडी हवाएं चलती रहती हैं। आइए आपको ले चलते हैं गेस्ट रूम में, जहाँ पे लोग आते हैं तो वहाँ पे बैठा जाता है, और बैठ करके लोग टाइम पास करते हैं। यहाँ पे लोग आते हैं सुकून के लिए, यहाँ पे बैठते हैं सब। ये देखिए कितना अच्छा सा बना हुआ है लोगों को बैठने के लिए। और आप लोग को पता है कि इस समय कोरोना महामारी चल रहा है, तो आप लोग घर पे रहिए, सेफ रहिए, हमेशा हाथों को धोते रहिए, सैनिटाइज करते रहिए, मास्क लगाते रहिए। घर से कोई भी ज़रूरी काम हो अकेले जाइए, किसी को ले करके मत जाइएगा। आप लोग अपना सुरक्षा स्वयं करें, और हमारे पॉकेट में इस समय पड़ा है मास्क, हम लगा लेंगे वीडियो बनाने के बाद। और आइए आपको दिखाते हैं पेड़ पौधे। और दोस्तों हम आपसे बता रहे हैं कि आप लोग जहाँ भी रहिए घर के बाहर एक छोटा सा पौधा लगा करके उसको पानी हमेशा रोज़ देते रहिए, क्योंकि ऑक्सीजन की बहुत सारी कमी हो गई है। और देखिए यहाँ पे आपको जैसे कि लगता है कि बहुत सारे पेड़ पौधे लगाए हैं, यहाँ पे ऑक्सीजन की कोई कमी नहीं है, ऑक्सीजन मिलता जुलता रह रहा है यहाँ पे। और आप लोग घर से बाहर जाइए, एक छोटे से जगह पर आप लोग एक पौधा लगा दीजिए, छोटा सा किसी भी चीज़ का पौधा लगाइए। मुक्ति पथ का सबसे पीछे वाला बैक साइड दिखा रहे हैं आपको, यहाँ पे देखिए कितना हरियाली दिख रहा है आपको, पेड़ पौधे लगे हुए हैं। तो इसी के चलते आपको लेकर के चलते हैं। और जैसे हमने बताया कि आप लोग प्लीज़ एक छोटा सा पौधा लेकर के आप लोग घर के सामने लगाइए। वो वाला फ्रंट वाला देखिए, यहाँ पे झरना बना हुआ है, झरने का साँचा यहाँ पे बन चुका है। और देखिए झरना कब तक तैयार हो जाता है बन के।
और देखिए ये बना हुआ है, टॉयलेट है, नगर पालिका परिषद कौरा बरहज देवरिया उत्तर प्रदेश, स्वच्छ भारत मिशन। यहाँ पे लैट्रिन भी बना हुआ है, अभी ये चालू नहीं हुआ है, चालू हो जाएगा कुछ दिनों में। और ये दिखाते हैं एकदम ये नदी के तरफ, क्योंकि ये नदी के एकदम साइड में बसा हुआ है मुक्ति पथ। और देखिए आपको दिखा सकते हैं कि कितने अच्छा यहाँ पे व्यू देखने को मिलता है। अभी तो यहाँ पे पानी नहीं भरा है, नहीं तो यहाँ पर पानी आ जाता है, एकदम पानी से भर जाता है, एकदम समझ लीजिए कि बाढ़ आ जाता है एक तरफ से माना जाता है तो। और इस समय देखने को मिल रहा है कि आपके यहाँ पे बस लोग टहल रहे हैं, पेड़ पौधे नहीं दिख रहे हैं आपको थोड़ा सा भी, और वहाँ एकदम दूर तक पानी आपको देखने को मिलेगा। जब बरसात का मौसम आता है तो पानी एकदम पानी से भर जाता है, तब आपको देखने में और आनंद मिलेगा एकदम। जैसे कि आप देख रहे हैं कि हमारे भाई साहब यहाँ पे ताज़ी ताज़ी हवा खा रहे हैं, और यूट्यूबर भाई साहब हैं, थोड़ा इनको सब्सक्राइब करते रहिएगा भाई लोग, और लाइक करते रहिएगा, बेल आइकन को दबाइएगा। जैसे कि आपको बता रहे थे कि पानी यहाँ तक भर जाता है, और लोग आते थे यहाँ पे नहाते थे। इस समय देख रहे हैं कि यहाँ पानी का एकदम सूखा अकाल पड़ा हुआ है, क्योंकि धूप बहुत ज़्यादा हो रहा है यहाँ पे, और गर्मी की पूछिए मत, गर्मी कहाँ से कहाँ तक होता है, पूरा नीचे से ऊपर तक गर्मी ही गर्मी बह रहा है यहाँ पे। और बता दे रहे हैं कि आप 2 महीने के बाद यहाँ पे आएंगे तो यहाँ पे पानी मिलेगा आपको देखने के लिए। और ये देखिए काले काले भैंस अपने चारे को खा खा करके यहाँ से रवाना हो रही है अपने घर के तरफ। और देख रहे हैं कि इस खेत में आपको मिलेगा खीरा, काकर, और वो रेड रेड जो होते हैं तरबूजे, वो सब मिल जाएंगे आपको खाने के लिए। यहाँ पे बहुत ही आनंददायक मिलता है, जिसे खा कर को आपको बहुत मज़ा आएगा, गर्मी की कमी नहीं होगी आपको, बहुत गर्मी मिलेगा। और बता रहे हैं कल आपको एक जगह और लेकर के चलेंगे, बहुत ही प्राचीन जगह है वो, कल बताएंगे आपको कि कहाँ हम आपको लेकर के चलेंगे। आज जहाँ लेकर के आए हैं वहाँ देखिए बस। और भाई लोग आपसे बोल रहे हैं कि आप लोग घर पे रहिए, सेफ रहिए, घर से बाहर बिना वजह का मत जाइए, मास्क का प्रयोग करते रहिए, सैनिटाइज का प्रयोग करते रहिए भाई साहब। ओ ब्रिज क्या होता, अभी यहाँ पे एक पुल बन रहा है, हम लोग ओवर ब्रिज है, अभी तक फाइनल नहीं हुआ है उसको, आपको हमको कल लेकर के चलेंगे उसके पास, और कल हम दिखाएंगे कि कहाँ से कहाँ तक फाइनल हुआ है वो। ब्रिज बन के तैयार होने वाला है, ब्रिज बन के अभी तैयार हुआ नहीं है, अभी होने वाला है, कम से कम साल भर का टाइम और लगेगा, क्योंकि पानी कभी घटता है कभी बढ़ता है, तो इसी वजह से मतलब वो रुक जाता है। और इसी के साथ हम आपको बता देना चाहते हैं कि आप लोग एक बार फिर से मास्क का प्रयोग करिए, कोरोना महामारी चल रहा है, हाथों को हमेशा धोते रहिए लाइफबॉय साबुन से, सैनिटाइजर से, हमेशा सैनिटाइज करिए, और घर पे रहिए, स्टे सेफ स्टे होम घंटा। और मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा हो, वैसे तो अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि हम लोग पहली बार वीडियो बना रहे हैं, तो आप लोग का प्यार हमेशा मिलेगा, तो ऐसे अच्छा अच्छा वीडियो हम लोग को देखने को दिखाएंगे आप लोग को। और प्लीज़ आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा मेरे भाइयों, और शेयर ज़रूर करिएगा। भाइयों देखिए मुक्ति पथ का ये गेट नंबर 1 है, ये गेट नंबर 1 है, और वहाँ पे 2 है, और मेरा दोस्त बैठा हुआ है, जाने के लिए गेट का प्रयोग किया जाता है, ठीक है।